हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हम लोग का डेंटल एलिवेटर्स। उससे पहले मैं बोलना चाहूँगा, आज 1/7/2021 है, आज के दिन ही डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। तो हैप्पी डॉक्टर्स डे टू ऑल डॉक्टर्स एंड प्रैक्टिशनर, और जो स्टूडेंट है, जो फ्यूचर डॉक्टर है। आइए हम लोग बात करते हैं डेंटल एलिवेटर के बारे में। तो डेंटल एलिवेटर के तीन क्लासिफिकेशन होते हैं, स्ट्रेट होता है, एंगुलर होता है, क्रॉस बार होता है। स्ट्रेट, एंगुलर, क्रॉस बार। सबसे पहले हम लोग स्ट्रेट एलिवेटर के बारे में बात करेंगे। स्ट्रेट एलिवेटर में सबसे पहले नॉर्मली जो यूज़ किया जाता है, जो कि वो है पेरियोस्टियल एलिवेटर। पेरियोस्टियल एलिवेटर के दो फेसेस होते हैं, एक ब्लंट होता है और दूसरा होता है सार्पेज। ब्लंट इज यूज़ किया जाता है रिफ्लेक्ट करने के लिए टिश्यू को, और सार्पेज यूज़ किया जाता है रूट पीसेस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, या ग्रॉसली कैरियस टूथ को, जिसका या रूट स्टम को एक्सट्रैक्ट करने में ये काम आता है। दूसरा है स्ट्रेट एलिवेटर, जिसके शार्प ब्लेड हैं। ये काम करता है वेज प्रिंसिपल से, टूथ के वर्टिकली जो है प्लेस करके वेज प्रिंसिपल पे ये काम करेगा, मोमेंट देना है इसको। ये भी स्ट्रेट एलिवेटर है, इसके सेरेशंस दिए हुए हैं। ये भी लीवर और वेज प्रिंसिपल पे ही काम करेगा। सेम तीसरा है कॉपलेंट एलिवेटर, ये भी ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, नॉर्मली हर डेंटिस्ट यूज़ करते हैं इसको। यूज़ किया जाता है इसे लग्जेट करने के लिए, टूथ को लग्जेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका मूवमेंट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होता है। जिस टूथ को एक्सट्रैक्ट करना है उसके मीजियली या डिस्टली रख के जितना वर्टिकली जा सके हम, मीजियली डिस्टली रख के उसको क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज मोशन देना होता है। दूसरा होता है एंगुलर एलिवेटर्स। इसके एज पे एंगल दिख रहता है। और इसका दूसरा नाम होता है एपेक्सो एलिवेटर, जो कि पेयर्ड इंस्ट्रूमेंट है, और नॉर्मली इसे सिर्फ मैंडिबल में यूज़ किया जाता है, क्योंकि मैक्सिला में फ्रैक्चर होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, इसलिए सिर्फ मैंडिबल में इसे यूज़ किया जाता है। ये मीजली भी है, मीजल रूट के लिए भी है और डिस्टल रूट के लिए भी है। ज़्यादातर मल्टी रूटेड टूथ के लिए यूज़ किया जाता है इसको। और इसका काम है रिमूवल ऑफ रूट पीसेस और लग्जेट करने के लिए। और एपेक्सो लोकेटर इसका नाम है, जैसे कि एपेक्स तक जाके एलिवेट करना। चौथा आता है क्रायर एलिवेटर। क्रायर एलिवेटर जो है व्हील और एक्सेल प्रिंसिपल पे काम करता है। ये यूज़ किया जाता है ज़्यादातर रूट पीसेस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ये कभी एक्सट्रैक्ट करते समय कोई रूट अगर बची रह गई हो या रेमनेंट कोई बचा रह गया हो, या फ्रैक्चर टूथ हो, ये ज़्यादातर रूट पीसेस को एक्सट्रैक्ट करने में काम आता है। पांचवा है वार्विक जेम्स एलिवेटर। ये यूज़ किया जाता है थर्ड मोलर, मैक्सिलर थर्ड मोलर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नॉर्मली मीजियल साइड में रख के थर्ड मोलर के, मान लीजिए मैक्सिलर थर्ड मोलर है, मीजियल साइड में इसको प्लेस करके बस ये मूवमेंट रहती है इसकी। थैंक यू।